चलते हैं इटावा की। इटावा में जोरदार जंग है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है ये समझेंगे, लेकिन सबसे पहले डेटा सेंटर का रुख करते हैं आयुषी के पास। बिल्कुल अभिष, इटावा काफी खास है। नगरपालिका अध्यक्ष इटावा के लिए यहाँ पर जोरदार जंग है। यहाँ से कुसुम दुबे भाजपा की उम्मीदवार हैं, तो वहीं ज्योति गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है समाजवादी पार्टी ने, और ममता दुबे पर दाव खेला है कांग्रेस ने, उम्मीदवार बनाया है। गुलनाज बेगम निर्दलीय उम्मीदवार है, तो निर्दलीय भी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इटावा नगर पालिका का हाल ये हम बता रहे हैं। तो देखिए, ये चार वो प्रमुख चेहरे हैं जो इस बार इटावा नगर पालिका उम्मीदवार बनाए गए हैं तमाम पार्टियों की तरफ से। अब देख बिल्कुल, और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं इटावा का। अमित हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, इटावा की अगर बात करें तो बड़ी दिलचस्प जंग हमेशा यहां पर होती रहती है, सपा का गढ़ भी है, लेकिन इन सब के बीच मतदाताओं में क्या उत्साह है, किस तरीके की तस्वीर है इटावा में? जी बिल्कुल, जिस तरह से इटावा की भी बात की जाए तो राजनीति के नाम पर इटावा भी अपने आप में इम्पोर्टेंट जगह है, जहां पर एक तरह से समाजवादी पार्टी का एक समय में गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले 5-7 साल में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ पर एक अच्छा स्टैंड है। बीजेपी ने ठीक यहाँ से काम किया है, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जरूर दिखाई दे रही है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने है। शिवपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव सहित पूरी समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट को जितवाने को लेकर लगातार गलियों में रोडों पर दिखाई दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता और यहाँ के सदर विधायक सत्ता भदौरिया ने यहाँ की कमान भाजपा का झंडा फहराने को लेकर पूरी ताकत लगाई है। पीछे मैं जो बूथ आपको दिखा रहा हूँ, ये नगर पालिका परिषद इटावा में बना है, क्योंकि ये बूथ पिंक बूथ है और महिलाओं की बात, मतलब देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और उनको लेकर भी बाकायदा ख्याल रखा गया है। एक उत्साह दिखाई पड़ रहा है इटावा में। लगातार आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि सुबह से ही महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, लोग पहले सबसे पहले मतदान कर रहे हैं, फिर कोई काम कर रहे हैं। तो एबीपी गंगा भी ये अपील करता है कि सबसे पहले मतदान और उसके बाद फिर कोई काम, तो वो असर जनता में भी देखने को मिल रहा है। और ये जो पिंक बूथ है, यहाँ पर सुबह से ही पुलिस बल भी तैनात किया गया है और बाकायदा लोग अपनी बारी बारी से आकर मतदान कर रहे हैं। और लोगों के अंदर एक तरह से ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से त्योहार मनाते हैं, तो मतदान वाले दिन को एक त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। प्रशासन भी कोई कमी अमित नहीं छोड़ी है, बाकायदा रेड कार्पेट बिछाई गई है और मतदाताओं का इस्तकबाल किया जा रहा है कि आप आइए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। चलिए 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि मतदान शुरू हो गया है, 40 मिनट हो चुके हैं और इन सब बीच अलग अलग जिलों से तस्वीरें आ रही है। कानपुर, अम्बेडकर नगर, हमीरपुर, आजमगढ़, बरेली, कासगंज, शाहजहांपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, अयोध्या। तो ये देखिए, हम आपको 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में जबरदस्त उत्साह लोगों में है। हर मतदान केंद्र पर सुबह से ही लंबी लाइन लगी हुई है और ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। तो जो लोग अभी तक मतदान केंद्रों की तरफ नहीं गए, उनको जाना चाहिए। देखिए, कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुबह से ही लाइन लगी है, यहाँ पर मतदाता 6 बजे से ही पहुंचने लगे थे। अम्बेडकर नगर में भी लंबी लाइन है। बुंदेलखंड की बात करें तो हमीरपुर में भी देखिए आप, मतदाताओं का उत्साह देखते बन रहा है। पूर्वांचल की बात करें, आजमगढ़, बरेली, वहीं कासगंज की बात करें, शाहजहांपुर जहां पर पहली बार मेयर पद के लिए चुनाव हो रहा है, वहां पर भी उत्साह काफी देखा जा रहा है। अलीगढ़, गाजियाबाद, अयोध्या, सभी जगहों पर बढ़ चढ़कर मतदाता मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। और चलिए अब रुक करते हैं बुलंदशहर का। बुलंदशहर की बात करेंगे, जानेंगे कि वहां पर मतदान किस तरीके से हो रहा है, लेकिन सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि वहां पर क्या समीकरण बन रहे हैं, कौन से चेहरे हैं। डेटा सेंटर रुक करते हैं आयुषी के पास। बिल्कुल अवधेश, तो पश्चिमी यूपी की बुलंदशहर नगर पालिका काफी खास है और यहाँ भी वीआईपी उम्मीदवारों के बीच टक्कर मानी जा रही है। यहाँ से दीप्ति मित्तल भाजपा उम्मीदवार है, तो वहीं अर्चना पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है समाजवादी पार्टी ने। रजिया बेगम रालोद की उम्मीदवार है और शबाना बस्ता उम्मीदवार है, तो ये वो चार प्रमुख नाम जो कि इस बार मैदान में है। बुलंदशहर में 17 निकायों पर सुचारू रूप से मतदान भी जारी हो गया है अवधेश। बिल्कुल, तो ये पूरी तस्वीर है और बुलंदशहर की बात करें तो 17 निकायों पर सुचारू रूप से मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जनपद में स्थानीय निकाय का मतदान कराया जा रहा है, इसका जायजा लिया संवाददाता अनुभव शर्मा। बुलंदशहर में सुचारू रूप से मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जो बुलंदशहर का मतदाता है वो जागरूक है, लगातार अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों में जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए, भारी पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही आपको बता दें कि जनपद में 17 निकायों पर चुनाव होना है, जिसमें कि 9 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत हैं। सुबह से ही जो मतदाता है वो अपने अपने मतदान केंद्रों पर मत अधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहा है। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो पुलिस प्रशासन द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अनुभव शर्मा, एबीपी गंगा, बुलंदशहर।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।